नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौरा किया। दौरे के दौरान गहलोत का नगरपालिका में स्वागत किया गया। नगरपालिका प्रेस सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी गहलोत का माला पहनाकर अभिनंदन किया। पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, मंजू मेघवाल, पूर्व पार्षद लाला राम नायक भी मौजूद रहे। गहलोत जयपुर से किशनगढ़ पुष्कर होते हुए मेड़ता पहुंचे। इस दौरान गहलोत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले। पार्टी की आगामी गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। नागौर के लाडनू में नगर के सत्यम शिक्षण संस्थान विद्यालय में वन विभाग के तत्वावधान में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के वन विभाग के वनपाल मांगीलाल शर्मा ने कहा कि सिर्फ पौधे लगाने से पृथ्वी की रक्षा नहीं होती है, बल्कि पौधों का रख रखाव भी सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी पर्यावरण में सुधार संभव है। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकुमार पवार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सब बच्चे अपने अपने जन्मदिवस पर पौधा लगाने का संकल्प लेवे। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के अकोला में सदर बाजार से भगवान ऋषभदेव जैन मंदिर के जीर्णोद्वार की 22वीं वर्षगांठ पर मंदिर के शिखर पर नई ध्वजा चढ़ाई गई। भामाशाह शंकरलाल, महेंद्र कुमार, ललित कुमार चपलोत, लादूलाल हिगड़ की ओर से ढोल नगाड़ों तथा मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के शिखर पर नई ध्वजा चढ़ाई गई। इससे पूर्व नई ध्वजा को एक थाल में सजाकर यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान महिला मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। वही ध्वजा चढ़ाने के बाद मंदिर में विशेष आरती की गई। इस अवसर पर पुजारी विष्णु कुमार सुखवाल, सरपंच अनिल सहलोत सहित अन्य कई मौजूद थे और इस दौरान बड़ी संख्या में भी श्रद्धालु मौजूद रहे। जयपुर के जम्वा रामगढ़ के ग्राम ताला पंचायत के अधीन बाणगंगा नदी के जंगलात में दोपहर में अचानक आग लग गई, जहां आग से कई पेड़ पौधे सहित जीव जंतु जलकर खाक हो गए हैं। वहीं लपटे देखकर आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पाकर आमिर और शाहपुरा से दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन जंगल में माटी के टीले होने के कारण दमकल को उल्टे पांव लौटने पड़े। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आम तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ रही है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 दिवसीय मेड प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पंचायत समिति भोपाल सागर की 19 ग्राम पंचायत के मेटों का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें विकास अधिकारी संदेश पारसर ने मेटों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रधान सोहनलाल भील ने कहा कि मेट का अर्थ होता है साथी। मेट हमेशा साथी बनकर ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ एवं अच्छा व्यवहार करके मेट का कार्य करें। प्रधान ने मेटों को कहा कि आप तभी सफल हो सकेंगे जब अपने कार्य को ईमानदारी और सच्ची लगन से करेंगे। ग्रुप के आधार पर सभी को बराबर टास्क में काम दें। चित्तौड़गढ़ के अकोला में भोपाल सागर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र योगी ने साडेश्वर महादेव के निकटवर्ती JGM गुरुकुलम का आकस्मिक निरीक्षण किया। विद्यालय निदेशक शंकर जाट ने बताया कि BEO ने मान्यता आदेश और जरूरी दस्तावेज चेक किए। इसके पश्चात RTA के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। विद्यालय की गतिविधियों को देखकर उन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली से ही हमारी संस्कृति का संरक्षण संभव है और विद्यालय इस ओर बेहतर और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नगर के निजी स्कूल बचपन प्ले स्कूल में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंध निदेशिका नीमा वसीम खान एवं अध्यक्ष प्राचार्य US भगवती थे। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के अध्यापिका स्वप्ना उपाध्याय एवं प्रीति पारिक द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं मानव के माध्यम से बताया गया, साथ ही किस प्रकार इस धरती को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है इस पर भी प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रीति पारिक द्वारा आदि मानव की आपत्ति एवं विकास तथा उसके जीवन को भी बताया गया। भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र में पिछले 1.5-2 सालों से घुसखोरों के खिलाफ लगातार हो रही ACB कार्रवाई से सरकारी अधिकारी कर्मचारी कितने खौफजदा हैं कि आमजन को ब्यूरो के फोन नंबर जाहिर करने से भी इन्हें डर लगने लगा है। इसका उदाहरण है तहसील कार्यालय में लगा एक सूचना बोर्ड, जिस पर कार्यालय में किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने या भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए तहसील कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय के फोन नंबर लिखे गए हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सिर्फ नाम लिखा गया है, नंबर नदारद है। इसे लेकर ये सूचना बोर्ड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रधान सुमित्रा विश्नोई ने राजकीय विद्यालय में पौधारोपण कर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
वहीं प्रधान ने कहा कि प्रकृति के साथ हमें कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस मौके पर गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के भदिसर में प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश योजना में आध्यात्मिक सर्किट में सम्मिलित मंदिर के कामों के लिए 21 करोड़ के प्रस्ताव में से 18 करोड़ 3 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मंदिर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, सीईओ व एडीएम राकेश कुमार एवं सदस्य उपस्थित थे। सीकर के रिंगस थाना क्षेत्र के धीरजपुरा में एक शख्स पर घर जाने के दौरान युवक ने मंदिरों के लिए पैसे मांगे, जहां युवक द्वारा पैसे नहीं देने पर युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। कुल्हाड़ी से वार के दौरान युवक का कान और सिर कट गया है, जिसके बाद युवक को लोगों की मदद से रिंगस के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर से जयपुर रेफर कर दिया। हमले के बाद पुलिस मामले की जानकारी लेकर वारदात करने वाले की तलाश में जुटी है। जयपुर के कानोता आगरा रोड के चंद्रमहल गार्डन में लगी भीषण आग, जहां आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का यहां पता नहीं चल पाया है। आग लगने के बाद पुलिस और दमकल भी मौके पर पहुंची, जहां आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई महिलाएं पहले तो जल अभियांत्रिकी विभाग पहुंची और अधिकारी को जमकर खरीखोटी सुनाई गई। विभाग के अधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह आधा दर्जन महिलाएं कस्बे की पानी की टंकी पर जा चढ़ी और प्रशासन से पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने की मांग करने लगी। घटना की जानकारी पाते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया और करीब घंटे भर के बाद बमुश्किल महिलाओं को समझा बुझा कर नीचे उतारा गया। महिलाओं को प्रशासन ने पेयजल व्यवस्था में शीघ्र सुधार का आश्वासन दिया है। बूंदी के हिंडौली थाना क्षेत्र के ढाकनी गांव में एक दलित दूल्हे की जिद के बाद आखिरकार गांव में पुलिस बल की मौजूदगी में बिंदौरी निकाली गई। पहले गांव में साइकिल बाइकों पर दलितों की बिंदौरी निकलती थी। सालों की कुप्रथा को दलित कमलेश ने तोड़ा। कई सालों की कुप्रथा टूटने के बाद गांव में दलित परिवारों में खुशी का माहौल नजर आया। मीना व कुमावत समाज के लोगों पर एसपी से कल मिलकर परिजनों ने धमकाने का आरोप लगाया था। हालांकि बिंदौरी के दौरान भी दूल्हे के परिजन संभावित खतरे के साए से कुछ हद तक मायूस नजर आ रहे थे। गौरतलब है कि दलित दूल्हे के परिजनों ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक से घोड़ी पर बिंदौरी निकालने और शांतिपूर्ण शादी संपन्न होने की गुहार लगाई थी। सीकर के रिंगस में मठ मंदिर के पास कस्बे में पानी की सप्लाई होने वाली पाइपलाइन टूट गई, जिसके चलते हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह चुका है। दुकानदारों ने जलदाय विभाग को अवगत कराते हुए लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। जलदाय विभाग में एक भी कर्मचारी नहीं मिला। फर्स्ट इंडिया के संवाददाता पहुंचकर मामले की जानकारी ली और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। वहीं अधिकारियों ने तुरंत पाइपलाइन सही कराने की बात कही। भरतपुर के वैर में बल्लभगढ़ सड़क मार्ग से चेयर के मंदिर के पास सड़क किनारे खड़ी एक महिला को पीछे से आ रही जीप ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला घायल हो गई है। घायल महिला को लोगों द्वारा भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। उदयपुर के कोटरा में सायरा पंचायत समिति के तरपाल ग्राम पंचायत के नंगाजी का गुड़ा गांव में किसान के मुंह से निवाला छिन गया है, जहां कुछ अज्ञात बदमाश ने फसल में आग लगा दी। नंगाजी गुड़ा निवासी वसंत सिंह ने मेहनत से उगाई फसल को काट कर खलिहान में रखा था, जिसे थ्रेसर में निकाला जाना था। इससे पहले बीती रात को अज्ञात बदमाश ने फसल में आग लगा दी। किसान और अन्य के पहुंचने से पहले ही फसल जलकर राख हो गई। किसान ने ये गेहूं की फसल 6 बीघा खेत में बोई थी। मामले में किसान की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भरतपुर के वैर में वार्ड 3 में पालिका पूर्व चेयरमैन के घर को निशाना बनाते हुए जेवर नकदी पार्क कर ले गए। वहीं घटना रात करीब 2 बजे की है।
घटना के बाद सभी अपने घर में नीचे के कमरे में सोए हुए थे। चोरों ने छत पर बने कमरे में से करीब 3 तोला सोने, 300 ग्राम चांदी के गहनों को चोरी कर लिया। टोक्यो उनियारा में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल उनियारा में पृथ्वी दिवस पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अजमेर के पिसांगन थाने में 2 माह से रिक्त थानाधिकारी के पद पर कुंवरपाल सिंह शेखावत ने पदभार ग्रहण किया। प्रशिक्षण काल में दबंगाई के कारण शेखावत के पद ग्रहण से आपराधिक लोगों में खौफ है। ग्रामीणों ने साफ और माला पहनाकर थानाधिकारी का अभिनंदन किया। टोक के मालपुरा में डिग्गी कल्याण मंदिर का दान पात्र खोला गया। मालपुरा उपकरण अधिकारी की देखरेख में दान पात्र खोला गया। दान पात्रों से 10,69,000 रुपए निकले। यहाँ हर साल लाखों का चढ़ावा आता है, लेकिन अनदेखी से मंदिरों का विकास नहीं हो पा रहा। सवाईमाधोपुर के खडार थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक की कार जलाने सहित पेट्रोल पंप उड़ाने की धमकी देने के आरोप में खंडार निवासी योगेश शर्मा उर्फ योगेश पटेल को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर के बोली कस्बा स्थित पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधक के अमित कुमार अलूदा और मुकेश मीणा के खिलाफ फर्जी तरीके से 5 लाख रुपए का ऋण उठाकर राशि हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। झालावाड़ के बकानी में भालता की उमरिया घाटी में पानी की टंकी बन रही है। पानी की टंकी बनाने में लगे रहे अनियमितता का आरोप भी लग रहा है। कम सीमेंट और लोहे के सरिये की साइज बदलने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। इससे लोगों में गुस्सा है। 2,37,00,000 से पानी की नई टंकी बन रही है। झालावाड़ के अकलेरा में एएन को एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में पेट्रोल डालकर जान से मारने की धमकी दी गई है। नई बस्ती हरिजन मोहल्ले में बिजली विभाग द्वारा आर्मल केबल का काम हो रहा है। काम को तुरंत बंद करने की धमकी दी गई। एएन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में करीब दर्जन भर गांवों में राशन की दुकानों पर लापरवाही बरती जा रही है। राशन सामग्री समय पर वितरित नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर के बसैड़े में पिपरौन ग्राम पंचायत उपचुनाव में आज हुए सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन हुए। पिपरौन ग्राम पंचायत में वार्ड पंच का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वार्ड 6 के वार्ड पंच के रूप में महिला बिटोला का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सिर्फ एक प्रत्याशी ने नामांकन किया था। जालौर के आहोर क्षेत्र के सियाणा गांव के पास सियाणा चौंदा गांव के बीच सकड़ी नदी में समेत कई और नदी नालों में ठेकेदारों पर अवैध काम करने की शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि बजरी भरने वाले ट्रैक्टर चालकों से मनमाने तरीके से रुपए वसूल रहे हैं, लेकिन खनन विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। 12 के अंत में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ पारा 43 के पार पहुंच चुका है, वही दूसरी तरफ आखातीज सावी की धूम है, लेकिन गर्मी के चलते बाजार में खरीदारों की कमी नजर आ रही है। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने नकली घी पर कार्रवाई करते हुए ऑटो रिक्शा में ले जा रहे 39 डिब्बे जब्त किए। वही पुलिस ने ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है। 12 के अंता में बपावर के नजदीक परवन पुलिया पर भरे हुए गैस सिलेंडर के ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर 12 से दमकल पहुंची, जहां काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग ट्रक के बोनट में स्टार्ट हुई थी और सर्किट का कारण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रक में 400 भरे हुए सिलेंडर रखे हुए थे। समय पर आग बुझाने से भारी हादसा यहां पर टल गया। जोधपुर के मंडोर में पहले पति को तलाक दिए बिना एक विवाहिता अपने घर से जेवरात और नकदी ले भागी और अपने रिश्तेदार से दूसरी शादी रचा ली। अब पति ने अपनी पत्नी सहित 27 जनों के खिलाफ मंडोर थाने में मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता ने पहले पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। महिला के पहले पति लालाराम भील ने मंडोर थाने में इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज करवाया कि उसकी शादी 28 नवंबर 2012 को नर्मदा के साथ हुई। शादी के एक साल बाद उसकी पत्नी उससे झगड़ कर घर से नकदी और जेवरात लेकर भाग गई और उस पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया। जोधपुर के बालेसर में खान मजदूर सुरक्षा अभियान ट्रस्ट की ओर से गांवों में बनाई गई खान श्रमिकों की सामूहिक बैठक का आयोजन खारीबेरी में हुआ। एमएलपीसी के डॉक्टर राणा सेन गुप्ता, डॉक्टर पुष्पा भारत, समन्वयक मनीष दास, किशन राम गर्ग ने श्रमिकों के हितों को लेकर जानकारी दी। खान मजदूरों की जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें गंगाराम गंदेर को अध्यक्ष, जगता राम को सचिव, बीजा राम बडल को कोषाध्यक्ष, टेलाराम लव्वा को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्होंने कहा कि 1 मई को श्रमिक दिवस रैली का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर के खोड़ापा थाना क्षेत्र के मेलाड़ा ग्राम में शनिवार सुबह रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेलाड़ा में कटाड़ी रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में गुलाराम, कुशालराम, हरकाराम, गोर्धन, अशोकी, पदई, मीरा, पदई को चोटें आई हैं।
सभी घायलों का बावड़ी सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौका मुआयना कर सभी घायलों का मेडिकल करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बारा के छिपाबड़ूद में हर माह की भांति निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण का 62वां शिविर डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा द्वारा शनिवार को आर्यवाटिका बस स्टैंड में लगाया गया। ये शिविर भारत विकास परिषद के तत्वावधान में जिला अंधता निवारण समिति कोटा के सहयोग से लगाया गया। डॉक्टर विकास वर्मा एंड डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में डीडी नेचर सेवा फाउंडेशन की विशिष्ट चिकित्सकों की टीम द्वारा 180 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई एवं 36 मोतियाबिंद ऑपरेशन के योग्य पाए गए। बारा के छिपाबड़ूद में विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत विधायक महोदय श्री रामपाल जी मेघवाल ने अछू पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों के आसन का दौरा कर अभाव अभियोग सुने। विधायक महोदय द्वारा उप कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने का आश्वासन ग्रामीणों को प्रदान किया गया। जयपुर के बगरू थाना इलाके के ग्राम नंदलालपुरा गांव में पुलिस ने शनिवार को देर शाम को दबिश देकर देह व्यापार में लिप्त डेढ़ दर्जन युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं में कुछ गांव की स्थानीय महिलाएं और कुछ मुंबई की युवतियां भी शामिल हैं। गांव में कुछ घरों में चल रहे इस अनैतिक कार्य से गांव वाले परेशान रहते हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक युवतियों को रविवार को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। बाड़मेर के बालोतरा में सैन्य छात्रावास में श्री कृष्ण 1008 कृष्ण आत्मानंदमी जी महाराज सिरधरी के सानिध्य से जैन जयंती समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, अध्यक्ष भागीरथ टाक, बायतो विधायक कैलाश चौधरी, नेमीचंद महाबार, मनोज कुमार खींची, सुजराम होंगे। शोभा यात्रा और झांकियां 3 बजे निकाली जाएंगी जो पचपदरा रोड छात्रावास से शुरू होकर बालोतरा के मुख्य मार्गों से होकर वापस सैन्य छात्रावास में संपन्न होंगी। उदयपुर के कोटरा क्षेत्र की क्यारी ग्राम पंचायत सरपंच के खिलाफ लाए वार्ड पंच अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरपंच अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। प्रक्रिया में मौजूद अधिकारियों ने मतदान के परिणाम को बोर्ड पर चस्पा करते हुए सरपंच पद को रिक्त घोषित कर दिया है। क्यारी पंचायत सरपंच होमी बाई के खिलाफ 12 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के तहत विचाराधीन बैठक शुक्रवार को उपखंड अधिकारी गोपाल लाल मीना और विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा की मौजूदगी में क्यारी सेवा केंद्र पर रखी गई है। झुंझुनू के चिड़ावा में ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र राणावत का दौरा रद्द हो गया है। चनाना में एएन कार्यालय का लोकार्पण करना था लेकिन अब सांसद संतोष अहलावत फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। टोंक के देवली में बीसलपुर बांध की सुरक्षा भगवान भरोसे है, निजी एजेंसी के हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, रात में यहाँ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं रहते। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 18 किलो पॉलिथीन जब्त की गई, कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रोक के बावजूद सब्जी ठेले दुकानों पर धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे थे। कार्रवाई थैलियां तहसीलदार थानाधिकारी के नेतृत्व में हुई। अलवर के रामगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी अल्लाह बंदा खान का निधन हो गया है। मिलकपुर गांव में राजकीय सम्मान से सुपुर्द खाक किया गया, प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्वतंत्रता सेनानी ने तंबाकू टैक्स को लेकर अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया था। अजमेर के विजयनगर में बाड़ी माता तीर्थ धाम पर गुरुदेव चुन्नीलाल टांग के पंचम मोक्ष निर्वाण दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर में 115 रक्तदाताओं ने रक्तदान दिया। आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 200 मरीजों की जांच कर दवाइयां दी गई। अजमेर के भिनाए ग्राम बड़ली में अवैध खनन बंद करने के मामले में युवकों को पानी की टंकी पर चढ़ना भारी पड़ गया। अलवर के बहरोड में शाहजहापुर के औद्योगिक क्षेत्र में विकास ग्लोबल कंपनी में 31 मार्च को हुई आगजनी के बाद फिर से आग झुलस गई। 31 मार्च को शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लास्टिक के दाना बनाने वाली कंपनी में आग लगी थी जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। झालावाड़ के मनोहरपुर थाना में वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों ने
पूटी मांग के वल्लभाचार्य की 539वीं जयंती पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। कस्बे के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर इंदौर के श्री ब्रजाधीश गोस्वामी ब्रजोत्सव महाराज की पदरावनी की गई। दौसा के महुआ में युवक ने फंदे पर झूल कर जान दे दी। मृतक अशोक बेरवा आर्थिक तंगी का शिकार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के खेराबाद में सांसद ओम बिरला ने रामगंज मंडी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने खेराबाद पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मुख्यालय गादिया, ग्राम हनोतिया, उदयपुरिया, जुलमी, हरुपुरा आदि में जनसुनवाई की। चूरू के रतनगढ़ में शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की। गांव सीतसर में बैठक में शराब बंद करने का फैसला लिया गया। बैठक में दर्जनों लोग मौजूद रहे। जालौर के चितलवाना में घटिया सड़क निर्माण से यहां ग्रामीण गुस्से में है। ये सड़क रड़ोदर से नयावास तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को रुकवा दिया है। अधिकारियों को शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने से लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर काम की जांच की मांग की है। झालावाड़ के पिड़ावा में चवली डैम पर लगी मोटर पैनल में तकनीकी खराबी आ गई है। इस कारण पिड़ावा, रायपुर सहित 30 गांवों में पेयजल आपूर्ति बंद है। कोटा के इटावा में बेखौफ मिलावटी मावा बिक रहा है। आखातीज के सावे के चलते यहां सिंथेटिक मावा बिकने की शिकायतें मिल रही हैं। एमपी के शोपुर और कोटा से आ रही मिलावटी मावे की खेप के साथ ही मिलावटी घी की बिक्री भी जोरों पर है। क्षेत्र में खाद्य निरीक्षक का पद कई वर्षों से रिक्त पड़ा है, जिससे मिलावट खोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय उदयपुरा में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच अजय सिंह रहे। समारोह में स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल बांटी गई। साइकिल पाकर बालिकाएं खुश नजर आई। अजमेर के ब्यावर में वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने थानाधिकारी को ज्ञापन देते हुए विजयनगर निवासी ब्रह्मानंद वाल्मीकि के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि प्रकरण में मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन खुले घूम रहे हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे लोगों में रोष है। भरतपुर के पहाड़ी में युवती के अपहरण से सनसनी फैल गई। घर में सो रही युवती को बोलेरो में सवार आए लोग गाड़ी में पटक कर ले गए। युवती के पिता ने चार लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। मामला गोपालगढ़ थाने के खाड़ियावास गांव का है। धौलपुर के बसेड़ी में बिजली की आंख मिचौली से कस्बेवासी परेशान है। शाम 4 बजे से रात 2 बजे तक लाइट ट्रिपलिंग करती है, जिससे आमजन के लोगों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसके बाद लोगों ने जिला कलेक्टर से विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग की है। झुंझुनू के खेतड़ी हरड़िया गांव में झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ने का मामला सामने आया है। झोलाछाप डॉक्टर रतनलाल को जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को बीसीएमओ को रिपोर्ट पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर के सैपू थाना क्षेत्र में दीवालों से हो रही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने चितौरा के प्रसिद्ध बाबू महाराज के मंदिर पर अपना हाथ साफ कर दिया। मंदिर पर लटके करीब 2 दर्जन पीतल के घंटों को चोरी कर चोर फरार हो गए। जालौर के रानीवाड़ा में युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। कड़ा थाने के अंतर्गत करवाड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय अस्पताल करवाड़ा में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हनुमानगढ़ के रावस्थल में पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने के आरोप में पति सहित ससुराल पक्ष के 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। व्हाट्सएप की पीड़िता का विवाह दिल्ली में हुआ था, तब काफी दहेज दिया गया, लेकिन ससुराल वालों ने 15 लाख रुपए नकद फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ के नोहर में बीते दिनों मिले कन्या भ्रूण के मामले में जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। एनएसयूआई द्वारा रेलवे स्टेशन से लेकर भगत सिंह चौक तक मौन जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। भगत सिंह चौक पर सभा भी आयोजित की गई। हनुमानगढ़ के भाजा क्षेत्र में अग्निकांड की घटनाएं आम होती जा रही है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जिले में आगजनी की 38 घटनाएं हो चुकी हैं। अधिकांश आगजनी की घटनाओं में खेतों में खड़ी फसल और पशुचारे का नुकसान हुआ है। खासतौर पर दमकल नहीं होने के कारण लोगों को अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चुरू के साधुपुर थाने में एक नामजद सहित 4 जनों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार सादत ने रिपोर्ट दी थी कि सड़क निर्माण के दौरान उनके खेत में ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से जेसीबी लगा रखी थी। इस बात के लिए मना करने पर ठेकेदार सहित अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की। झुंझुनू के बुहारा में शराब माफियाओं द्वारा पुलिस से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बदमाशों ने दबंगई दिखाते हुए दो पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। आरोपी नाकाबंदी के दौरान मारपीट कर अवैध शराब ले गए थे। झुंझुनू के नवलगढ़ में बाल विवाह की सूचना ने पुलिस की परेड करा दी। देवीपुरा बड़ी से बारात परसरामपुरा में आई। जानकारी के अनुसार दूल्हे और दुल्हन दोनों की कम उम्र थी, लेकिन मेडिकल में दूल्हा दुल्हन दोनों बालिग निकले। जालौर के रानीवाड़ा में आजोदर विकट मोड़ में आबूरोड डिपो की सरकारी बस और ऑल्टो में भीषण भिड़ंत हो गई। ऑल्टो कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की हालत गंभीर होने के कारण एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें गुजरात रेफर किया गया। अजमेर के मसूदा में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। काम दिलाने के बहाने युवती को महाराष्ट्र ले गए और 3 दिनों तक गैंगरेप किया। चूरू के तालानगर में राजपुरा गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग पर ग्रामीणों ने एसडीएम रामधन मीना को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार ग्रामीणों ने गांव की सरकारी भूमि पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस बात पर अवगत करवाया है। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।